वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम देखेंगे कोकनी डिश मेथी की आम्बिल की रेसिपी आप इसे मेथी की खीर भी कह सकते हो इसे मेथी और गेहूं से मिलकर बनाया जाता है बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी डिश होती है ये और ये डिश मेरी सासू माँ के स्पेशल रेसिपी में से एक है बस उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मैंने बनाया है तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए यहाँ हमने लिए हैं छड़े हुए गेहूं जिसे कि छड़ियल गेहूं कहा जाता है इसका इस्तेमाल हलीम या खिचड़ा बनाने में होता है छिलका निकले हुए गेहूं और उन गेहूं को लेके हमने चक्की में रवे की तरह बारीक पिसवा लिया है इसे गेहूं का कन भी कहा जाता है आप चाहो तो उन गेहूं को मिक्सर में रवे की तरह बारीक करके इस्तेमाल कर सकते हो हमने वन थर्ड कप लिया है आप चाहो तो इसकी जगह ब्रोकन व्हीट सूजी भी ले सकते हो जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है इस तरह से पैकेट में मिल जाता है इसके अलावा हमने ली है मेथी की पाउडर डेढ़ टी स्पून मेथी को हमने तवे पर भून कर उसका पाउडर बना लिया है नमक टेस्ट के हिसाब से एक कप नारियल का दूध लिया है हमने आधा कप गुड़ का पाउडर लिया है आप नॉर्मल गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नारियल का पतला वाला दूध भी हमने लिया है एक कप और घी जरूरत के हिसाब से ले ले एक बर्तन में हम एक टेबल स्पून घी गरम कर लेंगे और उसमें जो गेहूं का रवा है गेहूं का कन वो शामिल करेंगे और लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है पूरा खुला खुला होने तक हम भून लेंगे बिल्कुल भी उसमें गट्टे बनने नहीं देना है हमें ये देखिए हमारा गेहूं का जो रवा है वो अच्छी तरह से भुन गया है अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और उसके बाद नारियल का जो पतला वाला दूध है वो शामिल करेंगे वरना जो है चूल्हा ऑन रखेंगे तो वो बाहर उड़ने लगता है इसलिए हमने फ्लेम को ऑफ रखा है और पानी वाला नारियल का दूध शामिल कर दिया है और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है बिल्कुल भी गट्ठे होने नहीं देना है कंटिन्यू चम्मच चलाना है ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और उसमें नारियल का गाढ़ा वाला दूध शामिल करेंगे फ्लेम को हमने मीडियम रखा है और कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है हमें बिल्कुल भी गट्ठे बनने नहीं देना है देखिए पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे गुड़ का पाउडर डालेंगे थोड़ा बचा कर रखा है जितना मीठा चाहिए उतना डालना है मेथी की पाउडर भी डालेंगे और नमक टेस्ट के हिसाब से इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं मिठास के हिसाब से हमें गुड़ का पाउडर शामिल करना है जितना मीठा पसंद हो उतना डाल देखिये ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे गेहूं का जो रवा होता है वो पकने में ज्यादा वक्त लगता है इस वक्त मैंने मिठास चेक कर ली थी कम है इसलिए मैं बचा हुआ गुड़ भी इसमें शामिल कर देती हूँ और अच्छी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे इस वक्त ये दे, देखिए काफी गाढ़ा लग रहा है तो इस वक्त हम नारियल का पतला वाला दूध और आधा कप शामिल करेंगे टोटल हमने डेढ़ कप नारियल का पतला वाला दूध शामिल किया है आप चाहो तो उसकी जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो पर नारियल के दूध से ये काफी टेस्टी बनता है मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसे अच्छे से बॉईल आने देंगे हम ये देखिए काफी हद तक पक गया है और अच्छे से बॉईल भी आ गया है इस वक्त हम फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसे चार से पांच मिनट ऐसे ही पकने देंगे बस बीच में एक से दो बार चम्मच चलाना है जो रवा है गेहूं का वो पूरी तरह से पकने तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे देखिए अच्छी तरह से गाढ़ी भी हो गई है और इसके अंदर का जो रवा है गेहूं का वो भी पूरी तरह से पक गया है ये हमारी मेथी की आंबिल जो है वो बनकर तैयार है फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक डिश में निकालकर सर्व करेंगे इससे एकदम ज्यादा गाढ़ा होना नहीं होने नहीं देना है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है देखिए मेथी की खीर जिसे कि कोकनी में मेथी की आम्बिल कहा जाता है बहुत ही हेल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत ही सिंपल तरीका है इसे बनाने का रेसिपी पसंद आए तो आप इसे जरूर ट्राई करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू ला